नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दक्षिण कश्मीर के नदीपुरा में बीजेपी कार्यकर्ता को आतंकियों ने धमकी दी। इस धमकी का वीडियो वायरल होने पर कार्यकर्ता की पहचान मोहम्मद मकबूल भट्ट के तौर पर हुई। जी न्यूज हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आतंकवादी कार्यकर्ता को धमकाते हुए इसमें देखे जा सकते हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। इस वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता मकबूल आतंकियों के आगे हाथ जोड़ रहा है। बीजेपी का साथ छोड़ने की शर्त पर आतंकियों ने मकबूल भट्ट को जाने दिया। तो वीडियो आपके सामने, और आपको बता दें कि जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसको आतंकी धमका रहे हैं, और इन आतंकियों के आगे ये बीजेपी कार्यकर्ता जिसका नाम मकबूल भट्ट है वो हाथ जोड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और बीजेपी का साथ छोड़ने की शर्त पर आतंकियों ने मकबूल भट्ट को जाने दिया। तो इस कार्यकर्ता की पहचान मोहम्मद मकबूल भट्ट के तौर पर हुई है। हालांकि जी न्यूज आतंकियों की धमकी के वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी का साथ छोड़ने की शर्त पर आतंकियों ने इस बीजेपी कार्यकर्ता को जाने दिया। तो यह वीडियो वायरल हो चुका है। दक्षिण कश्मीर के नदीपुरा में यह धमकी दी गई इस बीजेपी कार्यकर्ता को, जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के नदीपुरा का ये वीडियो है। इस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, ये वीडियो तो हम देख रहे हैं लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि अभी नहीं की जा रही है, लेकिन क्या जानकारी मिल पा रही है? ये धमकी देने वाले कौन थे? कब का ये वाक्या है? फिर ये जो शर्त लगा दी गई कि बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए, ये किस तरह से ये जानकारी सामने निकल कर आई है? देखिए, ये तीन दिन पहले एक खबर आई थी कि दक्षिणी कश्मीर के इस इलाके में एक बीजेपी के कार्यकर्ता को मिलिटेंट्स द्वारा धमकाया गया था। हालांकि ये वीडियो कल वायरल हुआ है सोशल वेबसाइट्स पर, और तुरंत पुलिस ने इस वीडियो को जब्त किया है और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो उस जो मोहम्मद याकूब भट्ट नामी शख्स है उसका बयान दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पता चल पाए, उनका खुदिया वो बता पाए जिन लोगों ने इसे धमकी दी थी। और इस वीडियो में अगर हम देखें तो साफ ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता है हाथ जोड़े, जिसकी शर्ट भी निकाली गई है, साफ ये कह रहा है कि मैं बीजेपी या अन्य किसी भी राजनीतिक दल से अब नाता नहीं रखूंगा, साथ ही पुलिस या आर्मी का साथ नहीं दूंगा। यानी कोशिश की जा रही थी जो मुख्यधारा के साथी हैं लोग उनको उससे हटाया जाए, और इससे पहले भी कई वीडियोस इस किस्म के इस इलाके में देखने को मिले हैं जहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राजनीति से दूर रहने और मुख्यधारा से दूर रहने की सलाह दी गई। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, खासकर मुख्यधारा राजनीतिक दलों के लिए जो अपनी साख जो है इस इलाके में बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को फिर से डेवलप करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम